व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है। चलिए जानते हैं लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट से जुड़ी कुछ बेसिक बातें। यह रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF का प्रमुख प्रकाशन है, जो द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। यह वैश्विक जैव विविधता और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के रुझानों का एक व्यापक अध्ययन है। यह दुनिया भर में जंगली प्रजातियों की आबादी के सापेक्ष बहुतायत में परिवर्तन को ट्रैक करता है। इस रिपोर्ट ने कशेरुक प्रजातियों में गिरावट की गणना के लिए लिविंग प्लेनेट इंडेक्स यानी LPI का इस्तेमाल किया। यह इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी यानी जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा जारी किया गया है। इससे पता चला है कि दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कशेरुक वन्यजीवों की आबादी विशेष रूप से घट रही है। चलिए अब हालिया रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला निष्कर्ष जनसंख्या में गिरावट से जुड़ा है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। मीठे पानी की आबादी में सबसे अधिक गिरावट आई है, जिसमें 1970 और 2018 के बीच औसतन 83% की गिरावट दर्ज हुई है। IUCN रेड लिस्ट से पता चलता है कि साइकेड सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जबकि कोरल सबसे तेजी से घट रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष क्षेत्रीय जैव विविधता से जुड़ा है, जो ये कहता है कि सबसे अधिक गिरावट यानी 94% तक की गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में थी। अफ्रीका ने 1970 से 2018 तक अपनी वन्य जीव आबादी में 66% की गिरावट दर्ज की है। एशिया पैसिफिक की निगरानी आबादी में 55% की गिरावट आई है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया वह क्षेत्र है जहां प्रजातियों को खतरे की सबसे अधिक संभावना है। कच्छ वनस्पति से जुड़े निष्कर्षों की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि जलीय कृषि, कृषि और तटीय विकास में प्रतिवर्ष 0.13% की दर से मैंग्रोव का नुकसान जारी है। 1985 के बाद भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन मैंग्रोव वन के लगभग 137 वर्ग किलोमीटर का क्षरण हो चुका है। वहीं शार्क की बात करें तो पिछले 50 वर्षों में 31 में से 18 समुद्री शार्क की वैश्विक आबादी में 71% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक 3/4 शार्क के विलुप्त होने का खतरा था। रिपोर्ट के निष्कर्षों से जुड़े कुछ और तथ्य को देख लेते हैं। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी केवल 37% नदियां अपनी पूरी लंबाई में मुक्त प्रवाहित होती हैं। 41% भूमि उपयोग परिवर्तन प्रकृति के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को दूर करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जरूरत है। सतत स्वस्थ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त आहारों को अपनाकर हम कृषि भूमि के उपयोग को 41% और वन्य जीवों के नुकसान को 46% तक कम कर सकते हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है। तो हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैव विविधता के नुकसान के मामले में देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ तापमान में वृद्धि होने पर भविष्य में जैव विविधता के नुकसान की आशंका है। भारत में इस अवधि में मधुमक्खियों और ताजे पानी के कछुओं की 17 प्रजातियों की आबादी में गिरावट देखी गई है। चलिए अब रिपोर्ट को जारी करने वाले इंस्टीट्यूशन WWF के बारे में जान लेते हैं। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, यानी प्रकृति के लिए विश्व वन्यजीव कोष। यह दुनिया का अग्रणी संरक्षण संगठन है, जो 100 से अधिक देशों में काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेंड में स्थित है। इसके मिशन की बात करें तो इसमें शामिल है प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के खतरे को कम करना। यह दुनिया भर के लोगों के साथ हर स्तर पर सहयोग करता है, ताकि समुदायों
वन्यजीवों और उनके रहने वाले स्थानों की रक्षा करने वाले अभिनव समाधान विकसित किए जा सकें। चलिए अब इस रिपोर्ट पर आधारित अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF का प्रमुख प्रकाशन है जो द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। कथन दो है, ये दुनिया भर में जंगली प्रजातियों की आबादी के सापेक्ष बहुतायत में परिवर्तन को ट्रैक करता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।